ही है। आज हम आप लोगों को अहम चीज बताने जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए कि हम 220 को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, 440 को कैसे करते हैं, और ब्रेकर को हम जो ऑन करते हैं जहां पैनल में है वहां हम पावर हम कैसे कंट्रोल करते हैं। मतलब 220 ऑन ऑफ करने मतलब कि पावर काटना और देना, ये ब्रेकर के मतलब है काटना और देना, पावर काट देना दे देना। ये ध्यान रहे कि कभी भी दो बहुत महान चीज़ है कि लाइट सर्किट में जो हम लोग स्विच को बना लेते हैं, टर्मिनल 220 में यूज होता है तो स्विच लगा दिए सिंगल फेज का आप कंप्लीट कर लिए, दो सर्किट है टू वे स्विच गोडाउन में है तो टू वे स्विच लगा दिए आप, उसमें क्या है कि वो 220 और पर ही चलता था, जिसका लोड जिसमें लोड आएगा बहुत आएगा तो मान ये सर्किट में जो आता है तो एक एम्पियर या पंखाओं का चलेगा ट्रेनिंग पर वो कम है तो उसमें स्पार्क कम होता है। लेकिन जहां बड़ा है सर्किट, जहां हम बड़ा को ऑफ करना चाहेंगे तो हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्या किया है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं हम लोग कि उसको हम लोग बांट दिए हैं कि कैसे हम किसके, जैसे सपोज कीजिए सब ब्रेकर में है, आप समझिए ये स्विच हुआ बोर्ड के लिए, अब मेन स्विच है, सपोज कीजिए मेन स्विच जो होता है वो आपका दो तरह का आता है, सिंगल फेज और थ्री फेज का, माने लाइट सर्किट और पावर सर्किट। लाइट सर्किट में एक फेज एक न्यूट्रल होता है जिसको मेन स्विच बोलते हैं, आराम से आप पावर काट सकते हैं जैसे जो घर में सप्लाई आता है उसके लिए। लेकिन जब मोटर चलता है, जब कहीं भी मोटर चलाइएगा, सिंगल फेज से मोटर, आप सिंगल फेज का मोटर होगा तो आप सिंगल फेज मेन स्विच लगा दीजिए तो चल जाएगा, चला दीजिएगा। लेकिन थ्री फेज का मोटर अगर रहेगा तो थ्री फेज का आपको मेन स्विच भी चाहिए, तो हर का रेटिंग अलग अलग है। कहने मतलब एज पर लोड, लोड का मतलब करंट पर डिपेंड करता है कि एक आता है 15 एम्पीयर का, एक आता है 5 एम्पीयर का, एक आता है मतलब कि 32 एम्पीयर का, 63 एम्पीयर का, वो सब सारा मेन स्विच में थ्री फेज का मेन स्विच जो होता है वो जो मोटर हम लोग चलाते हैं वो थ्री फेज वाला है। लेकिन उसमें क्या है वो हम समझ लीजिए बात को कि थ्री फेज में क्या है कि तीन को फेज है, लोड पर डिपेंड करता है, उसमें आता है एक आता है कि 100 कम से कम उसमें फेज पर थ्री फेज का आता है 63-32 एम्पीयर का, 32 एम्पीयर एम्पीयर पर डिपेंड करता है, एम्पीयर हुआ 63 एम्पीयर हुआ, 100 एम्पीयर हुआ, 150 एम्पीयर हुआ, और अधिक से अधिक मेन स्विच जो अंतिम में है 200 एम्पीयर से बेसी मेन स्विच नहीं होता है। इसके बाद जो हम लोग ऑन ऑफ करते हैं या कराना चाहते हैं कंट्रोल करते हैं वो आ जाता है ब्रेकर में, जिसका नाम ब्रेकर है, और वह ब्रेकर के कहने मतलब हैवी में। अब देख लीजिए ब्रेकर और मेन स्विच में हम लोग जो यूज करते हैं उसको समझिए कि उसमें इसमें क्या डिफर है। मेन स्विच में क्या है कि मेन स्विच ऑन कर दीजिएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन ऑन ही रहेगा, जब तक उसको ऑफ नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। अगर एक फेज कट गया, थ्री फेज का मोटर है, सिंगल फेज मोटर चल जाएगा, यह है प्रॉब्लम उसमें। तो उसी को आप क्या है जो आप ये जो आप देख रहे हैं वो मेन स्विच में की बात है, लेकिन थ्री फेज का आप जब हम लोग ब्रेकर के बात में आते हैं कि ब्रेकर कितने तरह का होता है, जैसे पावर सर्किट हैवी भी पावर चार्ज करने के लिए उसको हम लोग ब्रेकर बोलते हैं, जो बड़ा वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग करते हैं 660 वोल्ट से जो जितना भी आता है वो सब जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं वो सब ब्रेकर इसको कहा जाता है। वो ब्रेकर है मतलब कि है आप 6.6 KV का पावर है कि आप सोचिए 6600 वोल्ट का, उसको आप साधारण मेन स्विच से नहीं कर सकते हैं आप, उसके लिए वही है ब्रेकर। वो ब्रेकर का है यूज होते हैं, 132 KV का जो है उसको पावर चार्ज करना है तो वो ब्रेक हम पैनल में चार्ज करेंगे, जहाँ पैनल में एसटी पैनल में चार्ज करना काटना लेना देना पैनल में जो होता है वो सब ब्रेकर से होता है। आप ये देखिए इसमें क्या है, ब्रेकर है कितने तरह से ये देख लीजिए, इसमें एक तो छूट गया, ये देखिए है फर्स्ट है ACB पहला, दूसरा है OCB। ACB के मतलब हुआ एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर मतलब वह मेन स्विच कॉन्टैक्ट है जो हवा से वो ठंडा होता रहता है, वो कोई ठंडा करने का अलग से साधन नहीं है, एयर सर्किट ब्रेकर उसका रेंज कम होता है। वाइल्ड सर्किट ब्रेकर जो वाइल्ड कॉन्टैक्ट जिसका मेन स्विच जो कॉन्टैक्ट जो पावर का कॉन्टैक्ट जो होता है वो
वाइल में डूबा रहता है, जब ऑन करते हैं वाइल से वो कंटेक्ट करता है। आप समझिए वाइल क्या है, वो प्रतिरोधक है, मतलब रजिस्टर, हाई रजिस्टर उसमें रहता है, जो पिंच होता है तो स्पार्क नहीं करे, वो हम बताएंगे जो कल या परसों का समय बता, हम बता देंगे। इसके बाद आता है ए, देखिए ए बी सी बी, ये जो होता है जैसे हाई ब्रेकचर है, आप एक 132 के भी का जो पावर हम लोग चार्ज करते हैं पैनल में या इसमें एसी रूम में पैनल में होता है या ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं, तो ये जो है ये इसी ब्रेकर से चार्ज होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या है कि एयर उसमें वो ब्रेकर होता है, वो हम बताएंगे, उसमें एयर के द्वारा उसको कंट्रोल होता है। तो ये आपका इस, और अभी जो है मैं अब ये चीज में छूट गया, MCB, MC है मैनुअल कंट्रोल ब्रेकर। मैनुअल कंट्रोल ब्रेकर जो इसके बाद जो हम लोग साधारण घर में यूज होते हैं, ऑफिस में यूज होता है, मैनुअल सर्किट ब्रेकर MCB, MCB मैनुअल कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, वह जो है मेन स्विच के जगह पर उसमें हम लोग यूज करने लगे MCB। MCB क्या है, वो है कि मिनिस्टर कंट्रोल ब्रेकर, वो हम लोग लगाते हैं ऑफिस में, के बाद में घर में भी लगा लेते हैं। उसमें प्रिफ्रेंस एक यही है कि उसमें अगर किसी तरह शॉर्ट सर्किट होता सर्किट में तो वो उसमें वो ट्रिप करा देता है, पावर को ऑफ कर देता है, तो इसीलिए मिनिस्टर कंट्रोल ब्रेकर उसका नाम पड़ा। और हम लोग कंट्रोल करते हैं किसी भी तरह कहीं भी सर्किट में शॉर्ट होगा तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन मेन स्विच अगर वहाँ यूज कर लिए हैं तो क्या हुआ, सर्किट में जब शॉर्ट होगा तो एक फ्यूज उड़ जाएगा, थ्री फेज का एक फ्यूज उड़ जाएगा, एक दो वहाँ का स्थिर रहेगा तो उड़ेगा नहीं, वो तब तक वहाँ उजलता रहेगा। इसीलिए पावर ऑफ करने के लिए आदमी की जरूरत पड़ता है कि मेन स्विच ऑफ करना पड़ता है, लेकिन MCB में आपको किसी जरूरत नहीं है, वो तुरंत वो ट्रिप करके ऑफ करा देता है। इसके बाद आता है ELCB इलेक्ट्रिक आर्थ लीकेज कंट्रोल ब्रेकर, वह ब्रेकर जो होता है आर्थ लीकेज कंट्रोल ब्रेकर, अब इसमें हम नहीं लिखे हैं, दूसरे दिन हम आपको बता देंगे। वह जो है किसी भी सर्किट में अर्थ किसी भी कारण से हुआ, जैसे भी हो सर्किट में थोड़ा भी तार अर्थ के साथ में होगा, वो तुरंत लोड होगा और ट्रिप होगा, कैसे होगा हम दूसरे दिन बता देंगे। अभी आइए इस बात पर कि देखिए ये क्या है एयर सर्किट ब्रेकर, ACB हम बताने जा रहे हैं, एयर सर्किट कंट्रोल ब्रेकर। यह जो ब्रेकर आप लोग देख रहे हैं ये बहुत आपका हर समय, कहीं भी आप जाइएगा बाहर में ड्यूटी करने के लिए या नौकरी होगी तो पैनल में पावर जो चार्ज होता है वह जो है जो 660 वोल्ट पर जो चार्ज करता है और जिसका लोड 160 एम्पियर तक ले आता है, उसको हम वहां पर हम लोग ACB लगा के ही हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे इसको ऑफ ऑन कब करेंगे, ये ध्यान रखिए, यदि किसी सर्किट पैनल में हम पावर चार्ज कर रहे हैं, इसको हम लगा दिए हैं, तो उसमें होता है क्या कि आप सबको पैनल को आप पावर देने जा रहे हैं तो ऑफ कर दीजिए, इसके बाद चार्ज कीजिए, या नहीं तो आपका हो सकता है कि किसी दूसरे पैनल के जितना पैनल वाला हम डिटेल बताएंगे, ये अगर उसमें पावर शॉर्ट सर्किट हुआ मैं 10 पैनल में जा रहा है, किसी पैनल में अगर शॉर्ट होगा तो आप इनकम सब साथ में है तो आपको यहाँ स्पार्किंग करेगा, तो इसलिए होशियार रहिए। पावर इसको ऑफ करने के लिए भी जब हम पावर हम जब लोड हम हटा देंगे सबका लोड हटा के तभी इसको हम ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, वो देखिए अब ACB में है क्या, आप क्या कीजिएगा, देखिए पहले जब ब्रेकर खोलिएगा, जैसे आप खोलिएगा इसको खोलिएगा तो उसमें ऐसे ही देख रहे हैं ये आर्चूट है, ये क्या है इस आर्चूट है, इसमें कंटेक्ट होता है, ये जो कंटेक्ट देखा हुआ है यही इसके ऊपर घुसाया रहता है, ये इसके सेपरेट का थ्री फेज है, तीनों फेज का अलग अलग आर्चूट लगा रहता है, तीनों फेज में लगा रहेगा, सब में लगा रहेगा, जब लगा रहेगा तो अगर किसी तरह से उसमें स्पार्क करता है, आप मान लीजिए ऑन किए स्पार्क कर रहा है स्पार्क होता है तो ये आर्चूट उस स्पार्क को मिनिमाइज कर देता है, खत्म कर देता है, माने सब आगे बढ़ने नहीं देता, आग लगने से बचाता है, ये एस्बेस्टस का बना रहता है, यह जो है बहुत एस्बेस्टस का हार्ड एस्बेस्टस का बना रहता है, वो जल्दी जलता नहीं है। अब देखिए इसका हर फेज को सेपरेट के लिए लगाया रहता है, जैसे इसमें देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये एक फेज पे लगाया हुआ है, उसी तरह थ्री फेज है तीनों में लगा रहेगा। आप इसको आप देखिएगा कब देखिएगा, ये जो आप ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये देखने नहीं मिलेगा,
जब इस सेपरेटर खोलिएगा तो ये सामने सब सामने नजर आने लगेगा। उसमें क्या क्या रहता है सो देखिए। फिर देखिए यहाँ दो कंटेक्ट सामने जो देख रहे हैं गोल टाइप का, ये गोल टाइप का है, ये फ्लैट टाइप का, देखिए यहाँ ये दिखा हुआ, ये है एक्सिलरी कंटेक्ट। जब हम ये देखिए, ये है मेन कंटेक्ट, ये फिक्स है, यही है मेन कंटेक्ट, ये इसके टच करता है इसके साथ में, तब यहाँ इन है, इसे आउट होता है, ऐसे आउट नहीं होता है, ये इसको टच कराता है, ये इसको है इसके साथ में टच कराता है। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग हैंडल से ऑन करते हैं, ये दो तरह से ये है एक्चुअली, हैंडल से ऑन करना पड़ता है, ये ध्यान रहे, ऑन करने के पहले हर का लोड हम ऑफ कर ले, नहीं तो क्या है, अगर आप नहीं अगर इसी तरह आप कहीं वो शॉर्ट सर्किट हो जिस पैनल में उसमें शॉर्ट हो तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, वहाँ हो सकता है स्पार्किंग होने लगे हो जाए, तो वो बचने के लिए कि आप ध्यान दीजिए कि कैसे इसमें होता है। ये एक्सिलरी कंटेक्ट जब हम हैंडल से ऑन करते हैं, जैसे ऑन करेंगे तो ये पोर्शन टच करेगा, यहाँ आइए ये देखिए, ये है आपको गोल टाइप टच करेगा, ये इसके साथ में मेन है, जैसे इसको टच कीजिएगा ऐसे ऐसे हैंडल पे जैसे ऑन कीजिएगा, ये देखिए हैंडल लगा हुआ है, यहाँ जो देखिए यहाँ दिखा है ओ एल एडजस्टिंग है, ओवरलोड एडजस्टिंग, यहाँ पर कितना पर आप सेट करके रखे हैं, मतलब ये ब्रेकर कितना पर जाके वो ट्रिप कर जाएगा, ये है जैसे पूरा है 160 एम्पियर का, आप 100 एम्पियर पर सेट कर दिए, कोई भी पैनल से मोटर चल रहा है, कन्वर्टर चल रहा है, लोड चल रहा है, जा रहा है, अगर उसी क्रम में बढ़ेगा तो इतना पर रहेगा तो आपको फट से ट्रिप करा देगा, एक्सेस होगा तो ट्रिप करा देगा, इसीलिए ये दिया हुआ। अब ये देखिए हैंडल जो देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं ये ओवरलोड, ये है ओवरलोड रिले है, ये इसमें एक छो रिले यहाँ लगा रहता है, ये क्या है, जब हम हैंडल इसको उठाते हैं ऐसे उठाते हैं तो जब ये सीधा उठता है, ये देखिए दो है, ये दोनों यहाँ यहाँ एक्सिलरी कंटेक्ट, ये है ये देखिए ये यहाँ आके टच करता है, देखिए हम फर्स्ट जब ऑन करेंगे तो यहाँ के टच करेंगे, जैसे यहाँ देखिए जैसे हैंडल इसको ऑन करेंगे तो पहले ये टच होगा, ये नहीं टच होगा, फर्स्ट में इसको टच करेगा, और जैसे टच करेगा तो क्या होगा, इसमें अगर अर्थ नहीं होगा सब कुछ ठीक होगा तो इसमें स्पार्किंग नहीं होगा, खाली चिटचिट आएगा, यहाँ भी उसी तरह का है, ये स्प्रिंग टाइप का है, इसी जैसे ऑन कीजिएगा कि ये इस कंटेक्ट में देख लीजिए एक्सिलरी कंटेक्ट है, ये पॉइंट है, ये मेन है, ये मेन है, ये मूविंग है, ये मूविंग टच करता है, ये मेन कंटेक्ट है, एक्सिलरी कंटेक्ट ये है, जैसे ही ऑन कीजिएगा ये पत्ती ठो इसमें ये कंटेक्ट इसमें सटता है, अब जो ही सटेगा थोड़ा सा भी लीकेज या इस पास कहीं भी सर्किट में कुछ होगा जिससे आप पावर चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ चिटचिट आने लगेगा, चट चट करने लगेगा, तो जैसे चट चट करे आप ऑन मत कीजिए, ये ध्यान रहे, आप जैसे इसमें हम लगाएंगे अच्छा चटाने लगेगा, चट चट का स्पार्किंग करने लगेगा तो ऑन मत कीजिए, तब उस समय ये सावधानी रखिए कि हम सारा लोड हम काट दें, जितना भी पैनल में पावर जा रहा है सबको हम ऑफ कर दें, मतलब बस बार को फ्री कर लें। अब जब इसको ऑन कीजिएगा तब देखिए चिटचिट आएगा नहीं, इसके बाद आप सीधा हैंडल को इसके साथ में सटा देंगे, इसके साथ जाने रहे यहां क्या होगा, ये देखिए ये इसके साथ साथ क्या सटा एंजनी कंटेक्ट सटेगा, स्पार्क नहीं हुआ तो आप इसको पूरा दबाइए, पहला हल्का इसको फर्स्ट में हल्का दबाइए, ऐसे उठाइएगा तो सीधा ये हल्का स्प्रिंग पर है आपको महसूस होगा, ऐसे हैंडल से उठाइएगा उठेगा ये सटेगा, जब स्पार्क नहीं करेगा ठीक है इसमें स्पार्क नहीं हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे आरचूट लगा कर ही कीजिए, ऐसा नहीं इसको खोल दीजिए, कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, आरचूट समा कर ही जैसे समाइएगा। अब ये क्या है कि इसके साथ में तो स्पार्क कर जाएगा, अब देखिए इसमें क्या है, ये है जैसे इसमें नहीं स्पार्क करता है तो आप हैंडल को ऊपर उठाइए, जैसे उठाइएगा थ्री पे यहाँ देखिए दो फेज बनाने में दिक्कत है, ये थ्री फेज का रहता है ऐसे ऐसे, तो थ्री फेज जैसे इसको सटाइएगा इसी से सटेगा, और जैसे सट जाएगा वो आप पूरा दबा उठा दीजिएगा, आप जो ही उठाइएगा ये रिले जो है इसको इसको पकड़ लेगा, इस हैंडल को पकड़ के रखे रहेगा, पकड़ रखेगा पावर जाते रहेगा, तब तक जाते रहेगा जब तक इसको आप ऑफ नहीं करते हैं, तो चाहे आप देखिए अब सवाल है चाहे आप इसको ऑफ कीजिएगा या शॉर्ट सर्किट होगा सब ये अपने खड़क से नीचे गिर जाएगा, ये ध्यान यही प्रिफरेंस है इसका, ये जैसे शॉर्ट सर्किट उसमें पहले किसी पैनल में माने 10 को पैनल चल रहा है 440 वोल्ट का
दस गो पैनल बना हुआ है, सब मोटर चल रहा है, कन्वेटर चल रहा है, सब चल रहा है, किसी में भी कहीं भी सर्किट होगा या केबिन में आग लग गया, किसी तरह शॉर्ट सर्किट फेज हुआ, ये तुरंत ही ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि आपका इतने ही पर है। आप इसीलिए इसको प्रिफ्रेंस दिया हुआ है कि ये आपको तुरंत ही छोड़ देगा। अब ये कंटेक्ट जो बना रहता है टंगस्टन कॉपर टंगस्टन का बना रहता है जो हार्ड रहता है, सिल्वर टंगस्टन का भी बना रहता है जो हार्ड होता है, ये बहुत हार्ड है। इसको आप इसके मेंटेनेंस की जो अलग सिस्टम है कि कैसे मेंटेनेंस हम करेंगे, तो ये ध्यान रहे कि इसको जैसे ही आप ऑफ हो जाए तो दोबारा ऑन करने की कोशिश मत कीजिए, पहले छानबीन कर लीजिए किस ब्रेकर में सब ठीक है कि नहीं, समूचा चेक कर लीजिए तब ऑन कीजिए। या अगर आपको करना ही है, दस पैनल है इसके थ्रू चल रहा है हमारा, तो एक एक करके जैसे इसको ऑन किए सबको ऑफ कर दीजिए और इसके बाद ऑन इसको कीजिए। आप जैसे ऑन कीजिएगा बस बार फिर उसका जो है वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद में आप एक एक करके पैनल जो ऑन जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो लगा हुआ है हर सेक्शन में, जो अलग मोटर चल रहा है, पैनल कन्वेटर चल रहा है, जो भी चल रहा चला रहे हैं आप, उसको एक एक करके ऑन कीजिए। जिससे ऑन कीजिएगा भड़ाक से जो शॉर्ट होगा तो ट्रिप कर जाएगा, ये इसका प्रिफ्रेंस है। तो इसीलिए इसका हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। अब रहा ये ठंडा कैसे होता है, इसीलिए एयर सर्किट ब्रेकर मतलब ये पूरा खुला है, ये खुला है, ये भी देख रहे हैं, ये है आप छोटी सी ढका खड़ी हवा से, जैसे दोनों में स्पार्क होता है, इसे ऑन कीजिएगा कुछ तो स्पार्क होगा या लोड बढ़ेगा, तो क्या होगा इतना ही हार्ड होता है स्प्रिंग में कि इसको पूरा पकड़े रहता है, थोड़ा भी लूज नहीं होगा। अब तो इसमें स्पार्क नहीं कम होगा तो कार्बोनाइज कम होगा। अगर इनकेस तीन फेज में कोई भी अगर लूज रहेगा तो चिटचिटाते रहेगा, लोड बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उस समय आप उसको चेक कर लीजिए। अब रहा सिस्टम इसका कि चेक हम कैसे करेंगे कि मेरा ये कॉन्टैक्ट सही है कि नहीं है, चिटचिटा रहा है लूज भी रहेगा, तब अगर मान लें इसका स्प्रिंग लूज होगा तो अभी चिटचिटाने लगेगा, तो आप समझ गए लीकेज है, अर्थ लीकेज है, तो आप घबरा जाइएगा। सो नहीं, आप ऑन जब कीजिएगा तो इसमें एक पेपर घुसा दीजिए और इसको ऑन कीजिए, जैसे सटेगा आप पेपर खींच के देखिए कि सुधा खिंचा रहा है कि नहीं या नहीं खिंचा रहा, जैसे ही नहीं खिंचाएगा तभी समझिए ये मेरा स्प्रिंग का जो टेंशन दिया हुआ है वो ठीक है, तब ये समझिए कंटेनमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ बार बार जो ऑन ऑफ होगा तो यहाँ पर कार्बोनाइज होने का संभव रहता है, तो आप कभी भी इसको डीजल का प्रयोग मत कीजिएगा साफ करने के लिए, जब भी कीजिए CTC या पेट्रोल से इसको साफ कीजिए और यहाँ भी पेपर दे दीजिए और ऑन कीजिए। ऑन कीजिएगा पावर, ये सब जब ही कीजिएगा, आप काम करना शुरू किए हैं तो पावर ऑफ करके ही शुरू कीजिए। आप यहाँ दीजिएगा पेपर और उसे खींचिएगा, नहीं खींचाएगा तो समझिए फिक्स कंटेंट मेरा बिल्कुल ठीक है। सेम इसी प्रकार का यहाँ जो रहा है यहाँ भी वही है, ये खाली आपको दिक्कत कहाँ होगी, ये और ये ऐसे फ्लेट ऐसा रहता है, ये जाके ऐसे टच करता है, ये मुंह इसमें जाके टच करता है, तो ये खाली देखना है कि वो प्रॉपर दबा रहा है, दबेगा प्रॉपर स्प्रिंग टेंशन रहेगा तो यहाँ स्पार्क नहीं होगा। यहाँ देखिए इसको, ये मूविंग कंटेक्ट को कि मेरा मूविंग कंटेक्ट बिल्कुल सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर इसमें पेपर डाल दिए, इसमें पेपर डाल दिया, ऑन कर दीजिए, ऑन कर खींचिए इसको, जब खींचिएगा तो क्या होगा नहीं खींचाएगा, तो इसके मतलब बिल्कुल आपका सही है। तो ये जो भाग जो देख रहे हैं ये कितना है, 660 वोल्ट तक ले आप आराम से इसको यूज किया जाता है और 160 एम्पियर तक ले चल रहा है, 660 वोल्ट, 650 वोल्ट है उसी में 660 वोल्ट तक ले ये आराम से चलेगा और 160 एम्पियर तक ले लोड लेके चलता रहेगा। इसका अधिकतर हम लोग उपयोग करते हैं पैनल में, और आप सराह इसका यूज होता है कहाँ, लाइट सर्किट में, जहाँ जहाँ लाइट जैसे पैनल है, बहुत बड़ा वासरी है या कोलेरी है, वहाँ का लाइट जो इतना आता है वो इसी ब्रेकर का यूज होता है। आज इतना ही, कल फिर दूसरे दिन बताएंगे।